Hi, baby, come to Dimapur. हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फाइनली गाइज मैं और एक ब्लॉग लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने में। भाई अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें तो बहुत ही बारिश हो रहा है, आप लोगों को पता ही है, और आप कुछ भी काम करो तो बहुत ही दिक्कत आता है। तो इसलिए जो जेसीबी मशीन था बट उसको भेज दिया, तो अभी दूसरा कुछ काम पे हम लोग लगा हुआ हूँ। तो दूसरा क्या काम है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 4-5 तालाब है, तो इसमें छोटा छोटा मछलियाँ उसको लेके हम लोग छोड़ा, उसको पाल पोछ के उसको बड़ा करना चाहिए, और बड़ा करने के बाद उसको दूसरा किसी तालाब में फिर से छोड़ दिया जाएगा ताकि वो थोड़ा खाने का लायक हो जाए। तो इसको पालने के लिए भी भाई बहुत ही मेहनत लगता है, और इसमें बहुत ही मगजमारी होता है। उसको ठीक टाइम पे खाना देना पड़ता है, और ठीक टाइम पे उसको आके देखना पड़ता है, और इसमें बहुत ही प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो करना है, तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा ना, वरना आपको कहीं से भी लाइन नहीं मिलेगा। तो कुछ भी काम पे जाओ भाई उसमें भी मेहनत लगता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फाइनली यहाँ पे तालाब कितना बड़ा बड़ा है, और कितना अच्छा लगता है तालाब देखने में। जो आप देख रहा है ठीक वो तालाब के बीच में है, और यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है, अभी ऐसा फिलहाल रख दिया होगा तो, और थोड़ा सा काम उम करने के बाद उसको ब्रिज को ओके कर। फिलहाल अंदर में आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो देखो भाई इसमें जो कारीगरी किया गया है कितना अच्छा से किया गया है, ये देखो देखने से भी कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें ठंडी हवा मिलने के लिए उसका ऊपर कोई पत्रा की इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को तालाब के बीच में खड़ा होने के बाद कैसे दिखाई देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली गाइस, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है बीच में, और यहाँ पे जो चारों तरफ से खुला रखा गया है तो यहाँ पर हवा हवा आने के लिए गर्मी के दिन में बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर आने से ठंडा हवा मिल जाता है। और ये ब्रिज तो थोड़ा सा कम बाकी है बट ब्रिज भी हो जाएगा। भाई कितना अच्छा लग रहा है बीच में, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। यार हम आगे और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को ताकि और भी मज़ा आ जाए आप लोगों को। ये जो एरिया है गाइस देखने को भी इतना अमेजिंग और इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ का तो बहुत बड़ा एक साहब है, तो इनका घर भी वहाँ पे 2-3 है, और टाउन पे यहाँ पे तो रहता नहीं है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे है। बीच में बंगला भी है और यहाँ पे स्टोर रूम भी है, यह सब है, वो सब है, सब कुछ है फिलहाल यहाँ पे। तो भाई ये रहा बंगला, और इसका ऊपर में उठने के बाद इतना अच्छा व्यू दिखाई देता है गाइज, आप लोगों को भी देखने को बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं ऊपर में चढ़ने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो मैं आप लोगों को ऊपर से इसका व्यू दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी अंदर में आ चुका हूँ, गाइज ऊपर जाके कुछ पानी भी पीते हैं हम, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही पानी की प्यास लगी है गाइज। तो भाई शायद कोई नहीं है अभी। ओ भाई तो पानी तो यहाँ पे नहीं है भाई, कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं है, शायद डी फ्रिज में होगा। ये देखो भाई डी फ्रिज को खोल के हवा खिला रहा है यहाँ। तो फिलहाल वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, शायद फ्रिज को वॉश किया होगा शायद। तो फिल्टर में पानी है भाई, तो पानी पी लेते हैं हम सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे छोटा सा एक बालकनी है, और यहाँ पे खड़ा होने के बाद बहुत ही अच्छा हवा मिल जाता है, और चारों तरफ देखने को भी मिल जाता है। और ये देखो गाइस कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। तो भाई हुआ था बालकनी की व्यू। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो फाइनली मैं और भी ऊपर चढ़ गया भाई, मेरे को पूरा सांस फूल गया इसको चढ़ने, यहाँ पे चढ़ने के लिए। तो भाई आप लोग फाइनली देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, और मैं इतना ऊपर चढ़ गया ना यहाँ से भाई मेरा पूरा सांस फूल गया। और देखो ऊपर से कितना अच्छा व्यू है, और चारों तरफ भाई रबर की झाड़ है यहाँ पे, रबर बगान जो कहता है वही है। कम टू दिमापुर, इतना अमेजिंग व्यू है ना यहाँ पे। सो आई होप गाइस वीडियोस अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को बजा दो, और मेरा पेज में देख रहा है तो मेरे पेज को फॉलो करो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और मेरे को कमेंट में बताना गाइस वीडियोस कैसी लगी, और अच्छी अच्छी जगह पे आप लोगों को मैं और भी व्यू में दिखाते रहूँगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।